हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक के करंट अफेयर्स। ये एक रिवीजन सीरीज़ है पूरी। मैं अगस्त मंथ के ऑलरेडी करंट अफेयर्स आपको कवर करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी वीक वाइज रिवाइज करने के लिए मैं अगस्त से लेके अक्टूबर तक के भी करंट अफेयर्स आपको करवा दूंगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूटे नहीं। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स पर लेक्चर बनाऊँ, जैसे कि GDP है, अपॉइंटमेंट्स है, तो इन पर मैं लेकर आऊँगी लेक्चर्स, लेकिन जब IPS क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे 10 दिन पहले, ठीक है, ताकि जो सारी चीज़ें हैं इन लेक्चर्स में वो अपडेटेड रहे बिल्कुल। उसके बाद कुछ भी आपको चेंज ना करना पड़े और आप डायरेक्टली इनको देखकर एग्ज़ाम में जा सके, ठीक है। तो इन सब पे इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी लेक्चर आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तब तक हम लोग जो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस है वीक वाइज वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल 2018। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल 2018 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडिजिनियस पीपल्स माइग्रेशन एंड मूवमेंट। ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेंटर्स बायोफ्यूल पॉलिसी। तो सेंटर की बायोफ्यूल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन बनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। राजस्थान में आप ध्यान रखना, पहली काउ सेंचुरी भी बनी थी, और ये जो काउ सेंचुरी है ये राजस्थान के बीकानेर में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल तिहार अ स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अंडर द संचार क्रांति योजना वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। मोबाइल तिहार जो कि एक स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है संचार क्रांति योजना के अंडर, वो कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो उस टाइम CM थे यानी कि रमन सिंह, उन्होंने और कंगना रेनॉट ने, इन दोनों ने मिलके ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी थी छत्तीसगढ़ के अंदर। अब जो छत्तीसगढ़ के CM है वो चेंज हो चुके हैं, और वो कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। तो जो रिसेंटली जितने भी स्टेट्स के अभी CM चेंज हुए हैं उनकी लिस्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुकी हूँ, तो आप उनसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वॉज द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट हेल्ड। तो पहली नेपाल इंडिया की थिंक टैंक समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काठमांडू, नेपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड इट्स फाइनल ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स। तो इनमें से कौन सी स्टेट ने अपना फाइनल ड्राफ्ट नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स का रिलीज़ कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम। इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि असम के अंदर कितने लीगल सिटीजन्स और इलीगल सिटीजन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्कीम सेवा भोज योजना विद टोटल आउटले ऑफ ₹325 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर्स 2018-19 एंड 19-20। तो इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है सेवा भोज योजना, जिसका टोटल आउटले कितना था? 325 करोड़ रुपीज़ का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये स्कीम लॉन्च करी थी सेवा भोज योजना। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये रिसेंटली अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये स्कीम है क्या। देखो, इस स्कीम में क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना जो भी CGST और IGST का शेयर होगा वो इन चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कौन है? जो कि फ्री में लोगों को खाना देते हैं, जैसे लंगर होते हैं, है ना, ये लोग फ्री में लोगों को खाना खिलाते हैं, वो है चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो इनको जो भी CGST और IGST का सेंटर का शेयर है वो वापस से इन लोगों को दे देगी सेंटर। तो इससे क्या होगा कि उनका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। तो ये स्कीम है पूरी सेवा भोज योजना। तो रिसेंटली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी इन चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की सेवा भोज योजना के अंडर, ठीक है। कैसे करेगी? वो रीइंबर्स करेगी CGST और IGST का शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन हु वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल। तो इनमें से कौन से इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है जिनको फील्ड्स मेडल दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अक्षय वेंकटेश। फील्ड्स मेडल जो है इसको बोला जाता है नोबल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में नोबल प्राइज़ नहीं होता, इसलिए मैथमेटिक्स में जो नोबल प्राइज़ है उसको बोलते हैं फील्ड्स मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड फॉर द ईयर्स 2013-17 इन न्यू दिल्ली। हु वॉज द विनर ऑफ द ईयर 2017? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड्स जो हैं 2013 से 2017 के ईयर तक के दिए हैं,
तो उनमें से 2017 का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, भर्तृहरि महतब। ये जो 2013 से 17 के अवार्ड्स हैं इनको सबको आपको ध्यान रखना है। 13 के लिए मिला है नजमा ए हप्तुल्ला को, 2014 के लिए मिला है हुकुमदेव नारायण यादव को, 15 के लिए मिला है गुलाम नबी आज़ाद को, 16 के लिए दिनेश त्रिवेदी और 17 के लिए भर्तृहरि महतब। तो इन पांचों को आप ध्यान रखना, आपसे किसी भी ईयर का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटिटी लॉन्चेस मिशन सोलर चरखा फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 50 सोलर चरखा क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया? तो इनमें से कौन सी एंटिटी ने मिशन सोलर चरखा को लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि MSME। इसके अंदर जो पूरा बजट आउटले है वो कितना था? 550 करोड़ का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा निस्तम स्कीम टू प्रोवाइड अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा निस्तम स्कीम जो है वो लॉन्च करी थी ताकि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द हिंदी साहित्य अकेडमी शलक सम्मान फॉर 2017-18? तो इनमें से किन को हिंदी साहित्य अकेडमी का शलक सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज री इलेक्टेड एज जिम्बावेज प्रेसिडेंट? तो जिम्बावे के प्रेसिडेंट कौन री इलेक्ट हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, एमरसन मंगागवे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टैटिक पार्ट कि जिम्बावे की कैपिटल क्या है? हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्वच्छमेव जयते क्लीनिनेस कैंपिंग? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्वच्छमेव जयते जो कि एक क्लीनिनेस कैंपिंग है उसको लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, कर्नाटका। तो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्वच्छमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मार्केटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इन्फो टूरिज्म गाइड एंड मोबाइल एप्लीकेशन गो वॉच दैट हैज़ लॉन्च इन विच सिटी? तो इंडिया की पहली इन्फो टूरिज्म गाइड और एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है गो वॉच दैट, वो इनमें से कौन सी सिटी में लॉन्च हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द 2018 मोहन भगन रत्न? तो 2018 का मोहन भगन रत्न इनमें से किनको मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, प्रदीप चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप आई हब, द इंटेलिजेंस हब फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक लर्निंग? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने आई हब सेटअप किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, आई हब सेटअप किया है आंध्र प्रदेश ने और तेलंगाना ने सेटअप किया था बी हब, ठीक है? ये इन्होंने सेटअप किया था बायोटेक और बायोफार्मा इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द थर्ड एडिशन ऑफ द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018? तो इनमें से कौन सी इंडियन फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, न्यूटन। न्यूटन को मिला था बेस्ट फिल्म अवार्ड और विलेज रॉकस्टार की जो एक्ट्रेस है जिनका नाम है भनीता दास, इनको मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है? ये भी आप साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जर्व 2018 इंडिपेंडेंस डे ईव एज शहीद सम्मान दिवस टू ऑनर मार्टियर्स? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 2018 का जो इंडिपेंडेंस डे ईव था उसको शहीद सम्मान दिवस के तौर पे मनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अक्लेम्ड पर्सनैलिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 2018 राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी एंड पीस? तो इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, गोपाल कृष्ण गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज लॉन्च विच ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथन टू क्राउड सोर्स सोल्यूशंस फॉर फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इन इंडिया? तो नीति आयोग ने इनमें से कौन सा एक ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथन को लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, मूव हैक। तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मूव हैक जो कि एक मोबिलिटी हैकाथन है वो किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हॉर्न नॉट ओके अवेयरनेस कैंपिंग विथ अ स्टेट वाइड मोबाइल एप्लीकेशन शोर नहीं? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक हॉर्न नॉट ओके अवेयरनेस कैंपिंग लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी थी जिसका नाम है शोर नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगलसराय जंक्शन हैज़ रिसेंटली रीनेम्ड एज दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट?
तो जो मुगल सराय जंक्शन है उसका नाम अब चेंज हो गया है, उसका नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय रंजीत श्रीवास्तव विच कैन स्पीक हिंदी, भोजपुरी, मराठी एंड इंग्लिश। तो इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि किसने डेवलप किया है? रंजीत श्रीवास्तव ने। आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, इनका नाम है रंजीत श्रीवास्तव। तो उस रोबोट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, रश्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट बनी है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 29th जीएसटी काउंसिल मीटिंग अ सब कमिटी वॉज फॉर्म टू एड्रेस इश्यूज ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी। तो 29th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने एक सब कमेटी बनाई थी एमएसएमई सेक्टर के जितने भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो उस कमेटी के हेड कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मच अंडर इम्प्रिंट टू इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ने 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए एक इम्प्रिंट टू इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, 112 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इम्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या है, इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा विच कंट्री सरपास्ड चाइना एंड बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो ब्लूमबर्ग डेटा के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कंट्री ने चाइना को सरपास कर दिया है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, जापान। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है वो है यूएसए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन गोल्फ प्लेयर हैज़ वॉन हिज फर्स्ट यूरोपियन टूर टाइटल एट द फीजी इंटरनेशनल 2018। तो इनमें से कौन से इंडियन गोल्फ प्लेयर ने अपना पहला यूरोपियन टूर टाइटल जीता है फीजी इंटरनेशनल 2018 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, गगनजीत भुल्लर। इसके साथ साथ आपको गोल्फ की एक और न्यूज़ ध्यान रखनी है कि यंगेस्ट इंडियन गोल्फर जिन्होंने एशियन टूर टाइटल 2018 टेक सॉल्यूशंस मास्टर जीता था वो थे विराज मद्दपा। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अगस्त की न्यूज़ है। टेक सॉल्यूशंस मास्टर 2018 जीता है विराज मद्दपा ने और फीजी इंटरनेशनल जीता है गगनजीत भुल्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर थर्मल बैटरी प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो वर्ल्ड का पहला थर्मल बैटरी प्लांट जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ काउंसिल मेंबर ऑफ आई कैन पैनल कंट्री कोड नेम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन पहले इंडियन बने हैं जो कि काउंसिल मेंबर बने हैं आई कैन पैनल के? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, अजय दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द 14th एडिशन ऑफ विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018। तो इनमें से कौन सी कंट्री की टीम ने विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने इसमें फाइनल में हराया था आयरलैंड को और इसमें इंडिया की रैंक आई थी 8th। और ये हुआ कहाँ पर था विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप? ये हुआ था लंदन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड पैक्ट विद टेक महिंद्रा टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक पैक साइन किया है टेक महिंद्रा के साथ इंडिया की पहली ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट खोलने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियो गोमेज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ही प्लेड विच स्पोर्ट। तो मारियो गोमेज जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया था तो वो इनमें से कौन सा गेम खेलते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, फुटबॉल। ये एक फुटबॉल के प्लेयर थे और ये बिलोंग करते थे जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च करी थी वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल लैब डेट हैज़ बीन लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एविएशन सुरेश प्रभु विच प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इंटरनेशनल ट्रेड। तो कॉमर्स, इंडस्ट्री और एविएशन के जो मिनिस्टर है सुरेश प्रभु, उनने इनमें से कौन सी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी ताकि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें पता चल सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, निर्यात मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
UNESCO designated World Network of Biosphere Reserves included Kanchenjunga Biosphere Reserve in its list. How many Biosphere Reserves of India are included in this list? देखो, यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसने अभी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 11। तो इंडिया के 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस लिस्ट में शामिल है, और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है सिक्किम के अंदर, ठीक है, और ये 11th बना था बायोस्फीयर रिजर्व जो इस लिस्ट में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2018 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैत्री 2018 जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द 22nd एडिशन ऑफ परंपरा सीरीज नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस 2018? तो इनमें से कौन सी सिटी ने परंपरा सीरीज नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस इस फेस्टिवल को होस्ट किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी हैज़ वॉन द इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 इन जूनियर वॉसिटी डिवीजन? तो इनमें से कौन से इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी ने इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 जीती थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवि गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट 2018? तो इनमें से कौन सी स्टेट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट 2018 जो है उसको होस्ट किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डिफेंस PSU टू बी एक्टिवेटेड ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट होने वाला इनमें से पहला डिफेंस PSU कौन बना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जो ट्रेड्स है इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तत्काल सेवा फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इज अ प्रपोज्ड इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? तत्काल सेवा जो कि एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है वो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑथर हैज़ वॉन द 2018 हिंदू प्लेराइट अवार्ड? तो इनमें से कौन से इंडियन ऑथर ने 2018 का हिंदू प्लेराइट अवार्ड जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनी जैदी। अनी जैदी को ये प्राइज मिला था उनके प्ले अनटाइटल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज़ लॉन्च द रूको इनिशिएटिव रिसेंटली, वॉट डज आर स्टैंड फॉर इन रूको? तो FSSAI ने एक रूको इनिशिएटिव लॉन्च किया था, तो उसमें आर क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रीपर्पस। देखो, रूको का पूरा फुल फॉर्म है रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, तो इस नाम से आपको पता पड़ रहा है कि इस इनिशिएटिव में जितना भी हमारे यूज कुकिंग ऑयल है उसको हम रीपर्पस करेंगे बायोडीजल में कन्वर्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया का पहला जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो इनमें से कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड न्यू UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? तो UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिशेल बैचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ चटर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर? तो सोमनाथ चटर्जी जिनका भी निधन हो गया था वो क्या थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा स्पीकर। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस, तो ये क्विक रिवीजन था आपके लिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।